हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलू क्रिएशन। 13 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा एक कपड़ा लेंगे जो कि बकरम लगा हुआ होगा। उसके ऊपर सेम 13 इंच लंबा चौड़ा एक अस्तर का कपड़ा लेंगे और उसको रखेंगे अस्तर को कपड़े के ऊपर। उसके बाद चौक से एक निशान लगाएंगे, जिस निशान की हमको सिलाई नहीं करनी उसके चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से रख कर हम इसकी सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई हमने जहाँ तक निशान लगाए हैं वहाँ तक करेंगे। तो ये हमारी निशान तक सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से पलट देंगे। भाई मैं कह रहा हूँ कम से कम अपनो काम हो जाए। देखो दोनों काम बन जाए, लड़के को काम बन जाए, अपनों बन जाए, है कि नहीं। इसको यहाँ से पलटने के बाद हम सीधा करने के बाद एक काम करो, सिद्धार्थ भेजा दो जीजा, थोड़ा वाइस स्टैंड पे ले जा, देख लो प्रेस करके ठीक है, इधर अपन बाजू नहीं रख ले। और चारों तरफ से एक सिलाई ऊपर से भी लगा देंगे फिर से। और जो भाग हमने छोड़ दिया था उस पर भी सिलाई करेंगे, तो राउंड एक सिलाई ज़रूर कर देंगे। इसकी सिलाई हो गई। अब बीच से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड से भी सेम वैसी ही सिलाई लगा देंगे। और अब इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद जो सिलाई है वो आमने सामने आएगी और कोने ऐसे आएंगे। और इसको हम सिलाई से लगभग 4 इंच की सिलाई छोड़ देंगे और फिर इसकी सीधी सिलाई कर देंगे। फिर इसके बाद दूसरे साइड भी 4 इंच छोड़कर और यहाँ से सिलाई कर देंगे। सिलाई सभी की हम डबल करेंगे जिससे इसकी सिलाई खुले ना। तो ये इसकी सिलाई हो गई है। अब इसको इस तरीके से रख के इसके चारों कोने पर एक तिरछा निशान लगाएंगे और उसकी सिलाई कर देंगे। इस तरीके से इसके चारों कोने की सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद अब ये देखिए सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसके कोने निकाल देंगे और सभी कोने निकालने के बाद डोरी लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके जो एक जॉइंट है उस पर रख कर सिलाई करेंगे। जहाँ हमारी सिलाई का जोड़ था फिर दूसरे जोड़ पर भी उसको पलट कर रख कर इस तरीके से सिलाई कर देंगे। तो ये डोरी लगने के बाद, सिलाई होने के बाद हमारा बैग तैयार है, पोटली बैग। अगर आपको पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। राधे राधे।